एक दिल्ली का लड़का इंडिया का सबसे कम आयु का एवरेस्ट क्लाइंबर। वैसे ये लड़का जब पहाड़ चढ़ चुका था और वहां पे अपने देश का झंडा गाड़ चुका था, तब वो विश्व का सबसे कम आयु का एवरेस्ट क्लाइंबर था। हाँ, पर कुछ ही समय में ये खिताब जो है उसे छिन गया जब 13 साल के अमेरिकन जॉर्डन रोमेरो ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब देख एवरेस्ट से भी ऊपर बैठे तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी पे क्या बीत रही होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ आज है तेंजिंग के ग्रैंडसन तेंजिंग जूनियर थापा। आ जाओ थापा। मेरे अंदर मेरा दादाजी आ गया है, तुम्हारे अंदर हिलरी डाल देता हूँ। हम लोग मुर्गे आए और वैसे भी एवरेस्ट हम मुर्गे। अच्छा और वैसे भी एवरेस्ट पे कोई कांची नहीं मिलेगा। अच्छा वो तू बकवास नहीं कर, यहाँ पे ठोंड से मेरा दोनों बाबलू जाम हो गया है। सोचा कांची के बारे में सोचेगा तो थोड़ा गर्मी पड़ेगा। और सब्जी सबसे पहला तो ये नेपाली एक्शन में बात मत करो। हाँ क्यों? और दूसरा बात, ये एवरेस्ट नहीं है, ये वो एसी का ठंडा हवा है। वो जब हम पहाड़ पे चढ़ा था वो बहुत ठंड था, आगे भी ठंड था पीछे भी ठंड था, आगे पीछे ठंड में पूरा फट गया था। वो बहुत फट गया था, तो चढ़ते चढ़ते चढ़ने में क्या बहुत फट जाता था। बिल्कुल सही बात करता है शाम जी, मुझे याद है। अभी और दो दो दिन में देखो कोई भी ऐसा ये बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ जाता। अब दो दिन पहले मैं इधर ऊपर पहाड़ पे बैठा था, एक वो इंडिया का वो 16 साल का लड़का आया, उसके उतरने से पहले 13 साल का अमेरिका का लड़का आ गया, वो चढ़ गया पहाड़ पे। आई सी शमशी, वो पहले ऐसा इतना इक्विपमेंट नहीं होता था ना, मैं समझ सकता है। क्या वो इक्विपमेंट के वजह से नहीं साला, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना सब चढ़ता है। हाँ शमशी, ये ग्लोबल वार्मिंग का वजह से पिघल के पहाड़ का हाइट कम हो गया है, पूरा 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 15 सेंटीमीटर कम हो गया है सब्जी। लेकिन जैसा उम्र बढ़ता है हाइट बढ़ता है ना। गलत नहीं सुना है हमने, हम क्या मजाक करेगा, माँ चिकनी बहनी। मैंने सुना, मतलब सुना है किसी और ने कहा था, वैसे भी हम लोग वो नेपाली लोग से बहुत डरता है। हाँ वो नेपाली लोग क्या है, वो जितना गोरखा लोग है वो जैन देखकर बहुत नाराज हो गया है, वो बात बात पे कुकरी निकालता है। वो बोलता है कुकरी से काट डालेगा, जैसा वो गोरखा लीडर को काट डाला वैसा बोला हमको भी काट डालेगा। अरे छोड़ो साहब जी, हम पूरा इंडिया में हर जगह फैला हुआ है, बस बिल्डिंग का जरूरत है। साहब जी मेरे को ऐसा एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है? मेरे को आइडिया है जिससे एक छोटा सा बेबी भी एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। वो क्या है साहब जी? जब एक 2 साल का बच्चा सिगरेट पी सकता है तो एक छोटा सा बेबी एवरेस्ट कैसे नहीं चढ़ सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। मैं अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ दूंगा, वो शोंपा है ना, शोंपा। उसको वो 9 महीने प्रेग्नेंट है। तुम्हारा बीवी 9 महीना प्रेग्नेंट है? दादाजी का नहीं। अच्छा, जूनियर तेंजिंग थापा, दादाजी तो गया, अभी तुम भी होश में आ जाओ। मेरी बीवी 9 महीना प्रेग्नेंट है, जिससे वो एवरेस्ट के 2 इंच नीचे मेरा बच्चा पैदा करेगी। तुम्हारा बच्चा? वो एवरेस्ट पर चढ़ जाएगा। 2 मिनट का मेरा बच्चा 2 मिनट में एवरेस्ट चढ़ेगा। क्या बात है, फिर कोई साला ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा, फिर कोई भी एवरेस्ट नहीं चढ़ेगा। साला एवरेस्ट पे चढ़ता है, अपनी बीवी पे चढ़ता है। अच्छा
सब्जी सब्जी माँ चिकनी बीप सब्जी चलो सब्जी किधर अरे अलार्म बीप करता है सब्जी इसका मतलब कोई साला फिर से एवरेस्ट पर चढ़ने लगा है चलो सब्जी कहीं का मार आपको नहीं बोलता है हिलरी को बोलता है सब्जी चलो सब्जी Oh God, this is very confusing. I will sort out myself and be right back with Ellen and Scoop on Secret India Pakistan Talks. Okay. Hey! 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 Hey!